YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यार आज का जो ब्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो है अफ्तारी के बारे में। सॉरी अफ्तारी का ब्लॉग है। पहला अफ्तारी का जो ब्लॉग था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। अभी मैं जो है वो सेकंड हमारी सहरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इसका जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाए थोड़ा सा, कि हॉस्टल में हम सहरी जो है वो किस तरह करते हैं। कुछ खास तो नहीं करते भाई, लेकिन जो भी करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मैंने इसमें जो है वो तो अभी तो टाइम काफ़ी रहता है, मतलब तो घंटे रहते हैं जो मैं पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर बताएंगे। ठीक हो गया, तो मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। तो अभी तो टाइम काफ़ी रहता है, मतलब तो घंटे रहते हैं जो मैं पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर बताएंगे। ठीक हो गया, तो मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, अब 3 होने वाले हैं, तकरीबन 3 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और बालों को बंद करते हैं क्योंकि मैं लेटी हुई थी, निम्रा के साथ मैं लूडो खेल रही थी। ये व्लॉग वो देखेगी ज़रूर। अभी वो ख़त्म की है मैंने, और अभी मैं ऊपर जाऊंगी क्योंकि अवरीश और माप जो है वो ऊपर जा चुकी हैं। वैसे तो हम सैरी जो है वो नीचे करते हैं या कोई एक अद बना लेता है, लेकिन आज हम सब जो हैं वो ऊपर जाएंगे। सो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जब आओगी वो सारी चीज़ें लेके जा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तुम आओगी तो बस पानी ले आना। सो अभी हम बॉटल में पानी भरेंगे। सो ये पड़ी है हमारी बॉटल, देखते हैं। जूते लेते हैं जी बहन, और बाल भी लिए हैं हमने बांध। उठाते हैं बॉटल, भरते हैं इस पर पानी और चलते हैं। फिर लाइट्स बंद कर लें। सो ये अंधेरा, फिर चलते चलते हैं जी, भरते हैं पानी। और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, लाइट की शदीद कमी है गाइस, क्योंकि पूरे हॉस्टल में अंधेरा छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और ये हमारी आ रही है कैटो। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। आते आते ही तेल पसीना एक हो जाता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो जाग रहे हैं, बहुत से लोग थे। सो जा रही हूँ मैं ऊपर, ऑलरेडी मजाक चल रहा है किसी बात को लेकर। हाय गाइस, हमारे अंकल की टांगों में भी टांके काम रही हैं। टांके काम रही हैं। मैं पकड़ने वाला हूँ। क्या बात है, अंकल क्या? अंकल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारे ब्रेड रेडी, अंडे और तुम स्मूदी। ये स्मूदी है। पागल पागल है, वाम पागल। ये है कि इसमें कीड़ा भी इसी तरह पागल है। ये चीज फिर टाइम तक जानी के लिए, तो पता कैसे कीड़ा है इसमें डाल के मार के कीड़ा आप लोग इसमें हम बैठते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइट आ रही है यार इधर। सो अभी जो है वो सैरी तो रेडी हो रही है, सो तब तक करते हैं यहाँ पे आराम बैठ के वेट करते हैं, क्योंकि अभी अलार्म्स वगैरह बज रहे हैं वो जो सैरी मतलब रखने के लिए जो अलार्म्स बजते हैं, विसल्स जिसको कहते हैं आई थिंक। सो गाइस आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? यार अच्छे जा रहे होंगे वैसे, मैं सब माशाल्लाह मेरे तो बहुत अच्छा जा रहा है, दूसरा ही रोज़ है। सो सभी वेट हो रहा है, बस आ गई है ये थैंक यू। ये ले मेरे, ये आप तुम को मेरा मतलब मेरा वो है ना। ओके, ये आप देख सकते हैं गाइस, हमारा हमारे उसका सैरी का सामान ला रही है।
फेरी करते हैं और ये घर में तो ऐसा होता है ना कि आप इस टाइम उठते हैं मतलब, और बनी बनाई सैरी मौजूद होती है। सो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ लोग हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं और मैं उठती हूँ तो मुझे वो चीज़ मतलब मेरी बिल्कुल, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे मैं घर में हूँ, जो उठती हूँ तो मम्मा हैं, मुस्कान है, तो वो चीज़ें जो है वो ला के मेरे मुँह के आगे, इसी तरह ब्रश और माँ भी ना कोई चीज़ ऐसी ला के मेरे मुँह के आगे रख देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कभी कभी लिटरली कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, थैंक गॉड। सो बहुत हैवी जो है ना सहरी मुझसे तो बिल्कुल नहीं की जाती। पहले पहले तो ऐसा होता था, मतलब पिछले रमज़ान में ऐसा हुआ था कि मुझे जो है वो लिटरली मैं एक एप्पल पे एक मतलब बनाना एप्पल किसी भी फ्रूट पे रोज़ा रख लेती थी, और मैं अभी भी रख सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ी आदत बनाई है कि मुझे ना कुछ खा कर जो है वो रोज़ा रखना चाहिए। इससे आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है और आप अगर कुछ नहीं खाते तो इसलिए बेहतर होता है कि आप, आजकल ना मैंने पानी का जो इनटेक है ना वो ज़्यादा किया हुआ था, सो आजकल मुझे प्यास थोड़ी ज़्यादा लग रही है। पहले ये नहीं होता था क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती थी, और ये बात मुझे अब फील हो रही है जब मैं ज़्यादा पीने लगी हूँ। सो इसलिए मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ ऐसा खा के, कल मैंने रोज़ा रखा था सिर्फ एक अमरूद खा के, मतलब एक अमरूद का पूरा वो जो स्लाइस होता है ना वो खा के, माशाल्लाह रोज़ा मेरा बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि कहीं मुझे मतलब फिर जाहिर है फिर बीपी लो हो जाता है आपका, आप कुछ नहीं खाते क्योंकि मैं पानी का इंटेक ज़्यादा कर रही थी, तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कुछ ना कुछ खा के उसके बाद ही जो है वो रोज़ा रखते हैं, सिर्फ वो किसी फ्रूट पे नहीं रखते। तो घर में भी मेरी शुरू से आदत थी कि मैं ना सालन दही और इन चीज़ों से साथ था रोज़ा नहीं रखती थी, मम्मा को बहुत अच्छे से पता। तो पहले पहले ये था कि चाय पराठा एंड दैट्स इट, तो वो जब से छोड़ा तो ज़िंदगी में मैंने सालन वगैरह चीज़ों से रोज़ा नहीं रखा, लेकिन पहला रोज़ा जो है वो मैंने सालन, और वो भी इस वजह से कि मैं सो के जो है वो नहीं उठती, जब मैं सो के उठ जाऊँ ना फिर तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, मैं सो के नहीं उठी थी, मैं ऑलरेडी जाग रही थी, तो मैंने वो मज़े से पाए वाए खा लिए। सो अभी भी मैं ये इसलिए खाऊंगी क्योंकि मैं सो के नहीं उठी हुई, मैं अभी तक सो ही नहीं हूँ रात से, तो अभी इन सैरी करके सोऊंगी तो फिर ठीक हो जाएगा। हमारी चाय, और आज मैंने तुम लोगों के लिए व्लॉग में नहीं अच्छी अच्छी बातें बोली देखना है तो व्लॉग में देखना था। ये हमारे हो गए हैं स्लाइसेस जो अल्लाह ये हमारी चाय देन है। ओके गाइस, तो अपने व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, हमने सॉरी सैरी कर ली थी और जो है वो रोज़ा भी बंद कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज भी पढ़ ली है, तो मैंने सोचा क्यों ना एंडिंग की वीडियो बना दी जाए, तो अभी हम रोज़ा करते हैं एंड और इंशाल्लाह इसी तरह अफ्तार और सहर की जो है वो वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान की खसूसी दुआएँ जो हैं वो आप जब भी करें तो मुझे लाजमी याद रखें, और दुआओं में याद रखिएगा गाइस क्योंकि दुआएं बहुत ही कीमती सरमाया होती हैं इंसान की ज़िंदगी का, तो और कुछ नहीं तो इंसान को दुआओं में याद रखना चाहिए, उसे दुआएं दे दी जाइए, दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करने से अल्लाह की भी मुरादें जो हैं वो पूरी करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार भी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।